हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ 1 टन रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी रूम एयर कंडीशनर इज 5। हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर ऑफ एयर कंडीशनर विल बी, आपको COP दे रखा है कितना 5, और प्रशीतन क्षमता दे रखी है आपको 1 टन। 1 टन प्रशीतन क्षमता के कक्ष वातानुकूलक एयर कंडीशनर का COP 5 है, तो कंडेंसर के द्वारा जो हीट रिजेक्ट होगी वो कितनी होगी। तो सिंपल, COP क्या होता है? COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपको कितना दिया हुआ है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है? 3.5 किलोवाट के बराबर। और COP आपको कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 3.5 अपॉन वर्क इनपुट। तो इससे वर्क इनपुट कितना आ जाएगा? वर्क इनपुट आपका आ जाएगा 3.5 अपॉन 5। वर्क इनपुट इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 से 35.7 किलोवाट। अब देखिए, जब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर, इसमें एक तो आप हीट अब्जॉर्ब करते हैं लो टेम्परेचर से, क्यू अब्जॉर्ब T2 इज लो टेम्परेचर, T1 इज हाई टेम्परेचर, फिर आप वर्क इनपुट करते हैं और यहाँ पे आपकी क्यू रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट होगी। क्यू अब्जॉर्ब आपको दे रखा है, वर्क इनपुट आपने निकाल लिया, क्यू रिजेक्टेड निकालना है। तो डायग्राम से आपको क्लियर है कि W इनपुट जा रहा है यहाँ से, हीट ये अब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी एरो इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ, ये हीट अब्जॉर्ब हो रही है और फिर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो W इनपुट प्लस Q अब्जॉर्ब इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड। तो Q रिजेक्टेड कितना हो जाएगा आपका? Q रिजेक्टेड इज इक्वल टू W इनपुट प्लस Q, प्लस क्यू अब्सॉर्ब्ड। तो W इनपुट आपने कितना निकाला? 0.7 किलोवाट। क्यू अब्सॉर्ब कितना है आपका? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि 3.5। तो 3.5 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? 4.2 किलोवाट। आंसर कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.2 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 17, इंडेक्स दैट कंबाइन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर मोशन ऑन ह्यूमन बॉडी इन अ सिंगल फैक्टर इज डिफाइंड एज। यानी सिंपल पूछ रहा है कि ऐसा फैक्टर जिसमें आप 3 प्रभाव को शामिल करते हैं, कौन कौन सा? एक तो टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और एयर मोशन यानी कि एयर की वेलोसिटी। तो वो किससे डिफाइन करते हैं? तीनों फैक्टर मिला के एक फैक्टर बनता है, वो होता है आपका इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावी ताप। इसमें आप टेम्परेचर इंक्लूड करते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको, कि एक तो होता है ओमेगा और एक होता है फाई। जो ओमेगा होता है वो तो होता है आपका kg ऑफ वेपर अपॉन kg ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, और फाई जो होता है वो होता है मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर अंडर सेचुरेटेड कंडीशन, MV अपॉन MAS। जो ओमेगा होता है इसको बोलते हैं आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट, ये चारों एक ही नाम है। ओमेगा की जब बात करेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो और मॉइस्चर कंटेंट, ये चारों किसके लिए यूज होते हैं? ओमेगा के लिए। और जब फाई की बात करेंगे इसको बोलते हैं आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या सिंपली इसको ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। फाई के दो नाम है, ह्यूमिडिटी या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो इफेक्टिव टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहा है टेम्परेचर जो कि स्पेशली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, और एयर की वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 18, अ चार्ट विच शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल्स फीलिंग कंफर्ट एट डिफरेंट इफेक्टिव टेम्परेचर्स इज नोन एज. इसमें क्या होता है कि एक एक पर तो आपका इफेक्टिव टेम्परेचर बनेगा अलग अलग, और दूसरे पर बनेगा कि पीपल फीलिंग कंफर्ट, परसेंटेज ऑफ पीपल यानी कि कितने लोग कंफर्ट फीलिंग कर रहे हैं. तो ये चार्ट बेसिकली ह्यूमन कंफर्ट चार्ट बोलते हैं इसको. तो ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर, कंफर्ट चार्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ये बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं. क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज ऑप्शन सी, कंफर्ट चार्ट. क्वेश्चन नंबर 19, इसमें इफ पी वी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड पी टी आपको दे रखा है टोटल प्रेशर, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि ओमेगा का मान पूछ रहा है. तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपन एम ए. जब उसको सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन लगा के तो आपको मिलेगा 0.622 इंटू पी वी अपॉन पी टी माइनस पी वी. तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन. इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत ईजी डेरिवेशन है इसका. यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओमेगा 0.62 इंटू पी वी अपॉन पी टी माइनस पी वी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 20, द वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो देन वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी. तो सबसे पहले देखते हैं कि वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, उसके बाद में अगर वो जीरो है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान कितना होगा देखते हैं. वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर. ये बोल रहा है कि अगर इसका मान जीरो हो गया तो फाई का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका. जीरो हो गया, देखो वेट बल्ब डिप्रेशन जब जीरो हो जाएगा तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी वो कंडीशन आएगी. अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जब दोनों बराबर हो जाएंगे यानी कि एयर आपकी पूरी तरह से सेचूरेट हो गई है, यानी कि अब इसको और सेचूरेट नहीं किया जा सकता है. तो फाई क्या होता है, फाई होता है एम वी अपॉन एम वी एस, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर अंडर सेचूरेट कंडीशन. तो यहाँ पर दोनों केस में ये सेम हो जाएगी है, क्योंकि टोटल जो एयर है आपकी वो सेचूरेटेड हो गई है जब डिप्रेशन का मान जीरो है. तो इस केस में फाई का मान हो जाएगा एक, या इसको बोल सकते हैं आप 100%. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट यानी कि नीचे, 100/100 1. तो इसका आंसर हो जाएगा 100%. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जब वेट बल्ब डिप्रेशन का मान जीरो होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान हो जाएगा 1 या फिर 100%. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू.